नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं नाम ऋषि राज के स्टूडियो में बात करने वाले हैं बिहार के वाईपी में आई हुई एक नई बहाली के बारे में। दोस्तों बिहार में जो जिला स्तर की एक नई भर्ती यहाँ पर निकाली गई है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लगभग हर जिले में जो है आप लोग का केवाईपी सेंटर चलता है, यानी कि कुशल युवा प्रोग्राम का जो सेंटर है वो यहाँ पे चलता है। तो सरकार की तरफ से उस सेंटर पे जो है जो ट्रेनिंग देते हैं उनके लिए यहाँ पे जो आप लोग का बहाली है वो निकाला गया है, यानी कि वहाँ पे जो आप लोग का केवाईपी ट्रेनर है उनका यहाँ पे पद पे बहाली निकाला गया है। और इसके लिए जो आप लोग का योग्यता है वो सिर्फ जो है 12वीं पास है, यानी कि अगर आप यहाँ पे इंटर पास हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब किस प्रकार से ये बहाली निकल के आई हुई है, किस प्रकार से आप लोग का आवेदन होने वाला है, क्या योग्यता रहने वाला है, सारा कुछ मैं आप लोग को यहाँ पे बताने वाला हूँ। ये जो है आपके जिले में ही यहाँ पे काम दिया जाएगा, यानी कि जिला स्तर की ये भर्ती होने वाली है, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। ये जो है सभी छात्रों के लिए बहुत ही अच्छी बहाली यहाँ पे होने वाली है, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का दो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को जितना उसको शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। केवाईपी की तरफ से जो यहाँ पे बहाली निकाला गया उसके लिए जो है आप लोगों को कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो है नोटिस आप लोगों का जारी किया गया श्रम संसाधन विभाग की तरफ से, यानी कि श्रम संसाधन विभाग की तरफ से आप लोगों का ये जो बहाली है वो आप लोग कहाँ पे लिया जाने वाला है। अब ये नोटिस कहाँ मिलेगा वो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपने गूगल में लिखना है YTRC। आप यहाँ पे जो YTRC देख रहे हैं ये आपको अपने गूगल में लिखना है। सबसे पहला जो लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके आपको इस वेबसाइट पर चले आना है। यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे KYP लिखकर जो है आप यहाँ पे डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप सर्च कीजिएगा तो आप लोगों को जो पोस्ट है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख पाओगे बिहार KYP रिक्रूटमेंट 2023 यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इस पर आपको क्लिक करना है, कुछ इस तरीके से आप लोगों का जो पोस्ट है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आप लोगों को नीचे करना है, यहाँ पे मैंने आप लोगों को पूरा जानकारी दे रखा है, थोड़ा सा नीचे आएगा तो यहाँ पे आप लोगों को जो जानकारी है वो देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके से ये बहाली निकाली गई है, यहाँ पे आप लोगों का क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, आवेदन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, सारा जानकारी जो है आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नीचे आएगा तो यहाँ पे जो है इंपोर्टेंट लिंक्स का ऑप्शन है, यहाँ पे चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, क्लिक पे आप क्लिक कीजिएगा तो जो मैंने आप लोगों को नोटिफिकेशन दिखाया कुछ इस तरीके से ये नोटिफिकेशन आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, कुछ इस तरीके से जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों क्या जानकारी दिया गया, किस तरीके से ये बहाली होने वाला है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोगों का जानकारी दिया गया है कि राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान वैशाली हाजीपुर की तरफ से ये जो है बहाली आप लोग यहाँ पे निकाला गया है। यहाँ पे बताया गया कि राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान वैशाली में प्रशिक्षण वर्ष 2023-24 में बिहार कौशल विकास मिशन के तहत कुशल युवा प्रोग्राम में प्रशिक्षण देने हेतु कुशल युवा केंद्र की स्थापना किया गया है। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आप लोगों का राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि जो ITI है उसमें जो है आप लोगों का यहाँ पे एक जो है कुशल युवा मिशन का जो प्रोग्राम है उसको यहाँ पे लागू किया गया है। और इसमें यहाँ पे जो है आप लोगों को ट्रेनिंग देने वाले के लिए जो है ये बहाली आप लोग यहाँ पे निकाला गया है। यहाँ पे बताया गया जिसमें कुशल युवा प्रोग्राम के तहत कंप्यूटर लर्निंग और सॉफ्ट स्किल और इंग्लिश लर्निंग में जो है यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाना है। यानी जिस तरीके से आप लोगों KYP में जो है आप लोगों को कंप्यूटर सिखाया जाता है, साथ में जो सॉफ्ट स्किल होता है किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से इंटरव्यू देना है, तो इस तरीके का जो आप लोगों का चीज होता है वो आप लोगों को सिखाया जाता है, तो उसी का प्रशिक्षण देने के लिए आप लोगों यहाँ पे जो बहाली है वो निकाला गया है। यहाँ पे आप लोगों को जानकारी दिया गया है कि बिहार कौशल विकास मिशन से जो है KYP केंद्र के निबंधित प्रत्याशी में लर्निंग फैसिलिटेटर यानी कि यहाँ पे जो है आप लोगों का एक लर्निंग फैसिलिटेटर का जो पद है उसको यहाँ पे निकाला गया है। और उसके लिए जो है आप लोगों का पैनल यहाँ पे तैयार किया जा रहा है जिसकी जो पात्रता है वो यहाँ पे नीचे दिया गया है। यानी कि जो आप लोगों का ITI कॉलेज है उसमें KYP का यहाँ पे जो है एक सेंटर चलाया जाने वाला है जिसमें कि आप लोगों का जो सिखाने वाले होंगे जो यहाँ पे ट्रेनर होंगे उनका पद यहाँ पे जो है आप लोगों का रखा गया है। क्या योग्यता रहने वाली है वो देख लीजिए। तो यहाँ पे आप लोगों को बताएगा कि शैक्षणिक योग्यता जो है सिर्फ अगर आप 12वीं पास हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद बताया कि अगर आप डिप्लोमा किए हुए कंप्यूटर साइंस से यानी कि ADCA किए हुए हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे बताया कि KYP कोर्स आप किए होने चाहिए तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। यानी कि तीन तरीके का आप लोगों का योग्यता रखा गया। सबसे पहले तो आप यहाँ पे इंटर पास होने चाहिए, साथ में आपके पास जो है ADCA का सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ में आप यहाँ पे KYP किए हुए हैं तो आप लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो ये तीनों अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं और इसमें जो है आप लोग यहाँ पे बहाली पा सकते हैं। यहाँ पे आप लोग का जानकारी दिया है कि कंप्यूटर टूल MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल एवं पावर पॉइंट में दक्षता के साथ IT कॉन्सेप्ट तथा जनरल अवेयरनेस होना चाहिए तथा हिंदी इंग्लिश टीचिंग में दक्षता प्राप्त हो। यानी कि अगर आप लोगों को ये सब कुछ आता है तो आप लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे बताया कि ये जो है कोई भी आप लोग का सरकारी नौकरी नहीं है तो इस बात का आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना है। सिर्फ आप लोग का कुशल युवा प्रोग्राम के लिए यहाँ पे जो ट्रेनिंग देने के लिए आप लोग बहाल किया जा रहा है।
तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे जानकारी दिया गया। तो अभी जो है आप लोग का कुछ इस तरीके से यहाँ पे नोटिस जारी किया गया है। आवेदन प्रक्रिया का जो यहाँ पे नोटिस है वो यहाँ पे जारी नहीं किया गया है। अब आवेदन किस तरीके से होने वाला है तो यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग का आवेदन प्रक्रिया बताया गया है। इसमें जो आप लोग का आवेदन होगा दोस्तों वो आप लोग यहाँ पे ऑफलाइन होने वाला है। ऑफलाइन जो है आप लोग का फॉर्म यहाँ पे निकाला जाएगा और फॉर्म के आप लोग को यहाँ पे भरना होगा। भरकर जो यहाँ पे आप लोग का जगह दिया गया है जैसे यहाँ पे राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, तो वहाँ पे आप लोग को जमा करना होगा और उसके बाद आप लोग यहाँ पे बहाली में जो आवेदन है वो यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो यहाँ पे शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है कि इस तरीके का जो पद है वहाँ पे आने वाला है, इस तरीके का बहाली जो है वो आप लोग यहाँ पे होने वाला है। तो मैंने आप लोग यहाँ पे जानकारी दे दिया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब के लिए धन्यवाद।